देखें एज ए एमर्जिंग प्लेयर मैं पिक हुआ पहले एडिशन में फॉर सलमी और वहाँ से मेरा जो करियर का स्टार्ट भी हुआ है। जर्नी बहुत खूबसूरत है। एज ए एमर्जिंग प्लेयर आप खेलते हो, उसके बाद परफॉर्मेंस देते हो और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि आप सीनियर प्लेयर रहते हो। तो आई थिंक हर यंग प्लेयर के लिए एक अच्छी चीज़ होती है कि वो अपना करियर वो जो है वो एज ए एमर्जिंग स्टार्ट करता है और फिर उसके बाद जब सीनियर्स आते हैं उस पर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी जर्नी है। वी ऑल नो कि उसमें एबिलिटी है, उसमें गट्स हैं लीड्स करने के और वो बहुत अच्छे तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड को लीड कर रहा है। जिस तरह के लास्ट ईयर हम लोगों ने रिकॉर्ड भी लगाया, 8 मैच जीते हम 10 मैचों से, तो इसका मतलब है कि कप्तानी अच्छी और यह टीम का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है। तो हमें तो बहुत उस पर ट्रस्ट है और बिलीव है जिस तरह की वो लीडरशिप करता है। ये एक अनफॉर्चुनेटली जो है वो एक मर्ज आया हुआ है पूरी दुनिया में जिसकी वजह से हमें बबल में रहना पड़ता है और एज ए प्रोफेशनल वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग और हमें ये फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि क्रिकेट के लिए ये ज़रूरी है कि आप बबल में रहो क्योंकि ये सेफ्टी है प्लेयर्स के लिए भी और इंडिविजुअली भी फिर एक दूसरे के लिए भी। इट्स अ डिफरेंट और डिफ़िकल्ट है। अभी रिसेंटली मैंने ब्रेक भी इसी वजह से लिया था क्योंकि बबल की लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल होती है। बट एज आई सेड के यू हैव टू बी इन द बबल और एज ए प्रोफेशनल आपको ये करना ही पड़ता है। नहीं देखें जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान में हर दौर में जो फास्ट बॉलर आते रहे हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। और अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो हर साल में आपको कोई ना कोई ऐसा फास्ट बॉलर दिखेगा। और जिस तरह आपने ज़ीशान ज़मीर की बात किया, ही इज़ वेरी एक्साइटेड क्रिकेटर और अभी जिस तरह वो वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट हुआ है, एशिया कप के लिए भी, और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक मैच में 5 आउट भी किया है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड और उसके साथ खेलेंगे और देखेंगे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वो कैसे परफॉर्म करता है। इस्लामाबाद शुरू से बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती हुई आ रही है और जिस तरह आपने देखा भी होगा कि यंगस्टर को प्रमोट करते हैं विच इज़ वेरी गुड और इस तरह का जो है फ्रेंचाइजों को ये करना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारा ब्रांड है और जब आप एक यंगस्टर को उठा के एक इंटरनेशनल काइंड ऑफ एक्सपोजर देते हैं तो फिर वो आगे जाके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है तो उसमें कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई होता है। तो कोशिश होगी कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें, इंटरटेन करें और इस दफ़ा टाइटल जीतें।